हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे सिखाऊंगा कि भाई पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में 2014 में कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर्स क्या है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर आपको 15, 16, 17 के चाहिए तो कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। डैश इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट कंसिडर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल अफेयर्स एंड फुलफिलिंग फाइनेंशियल गोल्स। अब देखो फाइनेंशियल गोल्स क्या है, अगर आप लोग मेरे पहले वीडियो देख चुके हो तो पता है कि मैं किस तरह से जाता हूँ, नहीं है तो जरा 2-3 मिनट निकाल के देखिएगा। तो फाइनेंशियल गोल्स जो होता है वो कॉरपोरेट इंडिविजुअल का बोला है, तो भैया ये कॉरपोरेट प्लानिंग नहीं आता। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR वाला ये भी नहीं आता। तो जब दो पूरा हो गया तो हमारे पास बचे ये दो ऑप्शन है, ये दो तो रॉन्ग ही थे। बचे कैश बजट, कैश बजट हम लोग बनाते हैं लेकिन यहाँ पे तो इंडिविजुअल के फाइनेंशियल गोल्स का है, तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का आता है। तो ये हमारा पहला MCQ पूरा हो गया। अब सेकंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स के लिए कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल गोल्स शुड बी डिफाइंड एज अ स्पेशली एज पॉसिबल, फाइनेंशियल गोल शुड बी रियलिस्टिक। ऑब्वियसली ये तो रियलिस्टिक और अटेंड होना चाहिए। देखो भैया स्पेसिफिक भी होना चाहिए, हाँ, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, हाँ। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स आर सेट फर्स्ट, सीधी सी बात है, आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद मैं क्या करूंगा वो हम लोग पहले सोचते हैं। और अगर 10 या 20 साल में मुझे मकान लाना है तो उसके EMI का शॉर्ट में, और फिर अभी कल मतलब बच्चे की एग्जाम फीस भरनी है तो उसके हिसाब से होता है। तो ये है, ये है, ये है, तीनों सही है। तो आंसर जो है दोस्तों उसका ये वाला आएगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो आप ये वीडियो को देखिए मैं कैसे एलिमिनेट करता हूं, और लास्ट में यहाँ पे ATD का जो है कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाउस होल्ड फर्निशिंग एंड अप्लायंसेस आर बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, रियल प्रॉपर्टी। अरे रियल तो वो एसेट होता है, ये तो फर्नीचर और अप्लायंस की बात की है, मतलब ये फ्रिज TV तो यार ये इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। अब यहाँ पे लिक्विड एसेट तो ये रियल एसेट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, तो ये दो ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही निकल गए। बचा कौन सा, लिक्विड एसेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। तो यार ये TV जो होता है उसको बेचने जाओ तो कौन चाचा लेने वाला है, गोल्ड बेचने जाओ तो लिक्विड एसेट है, शेयर्स बेचने जाओ, सिल्वर बेचने जाओ, प्लेटिनियम बेचने जाओ, शेयर्स हो जाएगा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो जब ये ऐसा कुछ नहीं है तो बचेगा क्या, पर्सनल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब भैया ये मैं ऐसे रब कर रहा हूं और इसको मैं हाइलाइटर कर रहा हूं, जैसे ये देख लो भैया नॉट करेक्ट, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे नॉट करेक्ट में ऐसा है टोटल एसेट, अरे यार ये तो हाइलाइटर करना था, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी जाएगा तो अपनी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ एबिलिटी, और स्टूडेंट मजाक में बोलते हैं अपनी औकात पता चल जाएगी, बराबर मेरी औकात है 150 रुपए और मुकेश अंबानी की 150 करोड़ रुपए, तो वो नेटवर्थ अब दिमाग में आ गया। कैश सरप्लस और डेफिसिट, डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, ये तो बचपन से पता है, हमारा तो हमेशा डेफिसिट ही होता था, इनकम तो पप्पा देते नहीं थे, एक्सपेंस तो भाई पांडु अपने तो बहुत ज्यादा थे, तो यू नो कि भाई वो जो सरप्लस डेफिसिट होता है इनकम एक्सपेंस से, ऐसे आप सोच समझ के लम कर सकते हो। तो इनकम एंड एक्सपेंसिस प्रिपेयर ऑन एक्रूवल बेसिस, नहीं भैया एक्रूवल नहीं होता है, कैश बेसिस पे होता है, जैसे आता है ऐसे करते हैं। एसेट आर रिकॉर्डेड बैलेंस शीट एट द करंट फेयर वैल्यू,
एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज द करंट। हाँ तो वो जो भी वैल्यू होती है उसमें से अपने डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। तो भैया ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, तो ये सी तुम्हारा आंसर है। ऐसे आपको बकायदा देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80GG। ये 2000 की लिमिट अब 5000 हो गई है। ये तो 2014 का था। अब मुझे आपको भी उतना पता है कि 80G जो है वो डिडक्शन का सेक्शन है और मैंने बकायदा उसके अंदर यहाँ पे आपको व्हिच एवर इज लेस, तो ये तीनों में से, और 25% ऑफ टोटल इनकम नहीं रही है, अब 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम वाला है, ठीक है। तो इन तीनों में से व्हिच एवर इज लेस होता है, तो ये व्हिच एवर इज लीस, तो ये डी वाला ऑप्शन है, तो हमारा भैया ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल। दोस्तों मैंने जो मेरे स्टूडेंट है मैंने बताया था कि सेक्शन 54 में मेरे फ्रेंड के घर पे गए थे और हम लोगों ने पार्टी की थी, ऐसा मैंने याद रखवाया था। तो ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इस तरह से मैंने आपको सेक्शन 54 लर्न करवाया था कि फ्रेंड के घर पे गए थे, तो ना वो एग्रीकल्चर लैंड होता है, ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इस तरह से ना ये आएगा ना ये आ जाएगा। तो 54F मेरे फ्रेंड का घर, 54 नंबर का मेरे फ्रेंड का घर, इस तरह से मैंने याद रखाया है, तो ये आप लर्न कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है वो बता देता हूं आपको, बकायदा चेक करना है कि क्या है। अब मैंने अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाया है, 80C के सेक्शन के दो बच्चे थे, 80CCD और 80CCC, अपने पप्पा से क्या मांगते थे, अपने पप्पा से पेंशन मांगते थे, पप्पा से पेंशन, ऐसे मैंने आपको सिखाया था। तो ये 80CCC और 80CCD, तो देखो भाई यहाँ पे ये है नेशनल पेंशन फंड और यहाँ पे है पेंशन फंड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि CCC पेंशन नेशनल पेंशन फंड पे है और इन रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे 80CCC जो है वो पेंशन फंड के लिए जाएगा और 80CCD जो है वो नेशनल पेंशन फंड स्कीम के लिए जाएगा। तो भैया ये दो तो हमारे फिक्स हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई 80D जो है वो तो मेडिक्लेम का है, वो भी आपको पता है। 80E जो है वो मैंने ऐसे सिखाया था, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, तो भाई 80E जो होता है वो इंटरेस्ट का सेक्शन होता है। तो इस तरह से अगर आप देखने जाओगे ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, जो भी कॉम्बिनेशन सेट होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब द डॉक्यूमेंट डील विद एस्टिमेटेड कैश रिसीप्ट एंड कैश एक्सपेंस। एस्टिमेटेड है तो फिर बजट ही होगा, इनकम तो होता नहीं है, नन ऑफ, अब इनकम नहीं होता है तो नन ऑफ दिस होता नहीं है, तो बचेगा क्या, कैश बजट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमको पता है कि भाई फाइनेंशियल पोजिशन ऑन अ गिवन डेट, तो भाई ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे है। लेकिन आप जब पढ़ो तो बकायदा उसको अंडरलाइन करो। डैश आर टारगेट पॉइंट्स इन द फ्यूचर विच यू एक्सपेक्ट टू अचीव और कंप्लीट सर्टेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट विच मे सर्व एज प्रोग्रेस चेक पॉइंट टूवर्ड्स सम लॉन्गर टर्म फाइनेंशियल गोल एज अ डेडलाइन और अदर्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई टारगेट पॉइंट्स इन द फ्यूचर, अब गोल डेट्स ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं है तो इसको जान दो। When you expect to achieve or complete certain financial objectives which may serve as a progress checkpoints बराबर towards some, तो भाई वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा financial statement towards some financial goals or as, तो नहीं भाई financial statement नहीं, financial plan आएगा। और लास्ट जो लिखा है ये तीनों तीन ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है, ये तो भाई 1.5 लाख वाली लिमिट आ गई है, बिकॉज मैंने ये भी बोला था कि भाई ये जो लिमिट होती है 1.5 लाख से ज्यादा बढ़ती
नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और ये आगे के वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस।